मैं आपको दानापुर सदर अस्पताल से एक लड़की की लाश दिखा रहा हूँ। मैं इस तस्वीर को नहीं दिखाना चाह रहा था, लेकिन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि यह लड़की जिसका नाम राखी है और इसके बॉयफ्रेंड के द्वारा नाम रखा गया था प्रगति, लड़की प्रेम में इतनी पागल हो गई थी कि अपना जीवन समाप्त कर ली है और ये आज मरी पड़ी है। देख सकते हैं क्या स्थिति में है। ये इनके परिजन हैं, सब लोग आए हुए हैं। और मैं बता दूं, इनकी माँ बदहवास हो गई है, पागलों की तरह अपनी बेटी की डेड बॉडी को छोड़कर वो चली गई है कहीं, इन लोगों को मिल नहीं पा रही है। मैं बता दूं, यह लड़की अपने घर की एकलौती चिराग थी और इनकी माँ दाई के काम किया करती थी और इनके पिता विगत 8 साल पहले किसी डिजीज की वजह से मर गए थे। इस लड़की को इंसाफ देने के लिए, न्याय देने के लिए कोई सामने नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी प्रेम कहानी क्या है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, जानने का प्रयास करूंगा आखिर इस तरह का हश्र क्यों हुआ। ये इनके परिजन, आप कौन हुए इनका? हुआ है। क्या नाम हुआ इनका पूरा? प्रगति। और घर का क्या नाम था इनका? राखी। प्रगति नाम कैसे पड़ा इसका? प्रगति नाम पड़ा वही लड़का धरा। लड़का नाम क्या है? लड़का का नाम है विष्णु। विष्णु। कैसे क्या हुआ इनके साथ? इसको साथ में हुआ है कि मानो इसको से मानो प्यार करता था। कब से प्यार कर रहा था वो? लग रहा है कि 1.5 साल हो गया। अच्छा। 1.5 साल हो गया है। और मानो समझिए कि मानो इतना हो गया कि सब शादी उदी के मानो सब मानो तैयारी कर लिया था। अच्छा, लड़का? हाँ, इतना था कि उसको माँ बाप सब बोला कि से हम शादी अभी नहीं करेंगे, तो बोला कि आप ना कीजिएगा, नहीं पैसा आपको पास है तो कोई बात ना है, हम अथी करेंगे, हम कमाएंगे तब शादी करेंगे, लेकिन जब करेंगे तब तुमको शादी करेंगे। हाँ, आन जान सब मानो की 20 लाख तिलक मांग रहा था। 20 लाख तिलक मांग रहा था? किस चीज का तिलक मांग रहा था वो? मांग रहा था कि हमको गाड़ी लेना है। अच्छा। हाँ, अब ये कोई लड़की थी। हाँ। इसको जो जगह जमीन है सो कि मानो बहकाते रहता था कि बेच के हमको दे दो। अच्छा, लड़का कहता था? हाँ, सब उसको फैमिली पूरा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि मानो बेच के दे दो? तो घर से जैसे बेचने के अलावा नहीं हुआ। अच्छा। घर से कहे कि इतना काहे लगी बेचिएगा, जैसे अब उतना लायक लड़का रहेगा तब तो उतना हम पूरा संपत्ति बेच के देंगे, उतना लायक लड़का नहीं है, तो चुपे चुपे ही इसको से ले लिया। अच्छा, आखिरी वक्त इसने कितना पैसा भेजा था लड़का को? 3.5 लाख ट्रांसफर कर दिया। 3.5 लाख? हाँ, लड़की कर दी। हाँ, निकाल के मिल गया है। हाँ हाँ, बैंक में जा कर के। शादी भी हुई भी नहीं थी, 20 लाख का डिमांड था और ये पागल लड़की राखी अपने आशिक को 3.5 लाख रुपया दे दी। देखिए क्या 3 लाख रुपया ले लिया। ले लिया, ले लिया। हाँ, हाँ, कहाँ पे हुआ है? कहाँ पैसा ट्रांसफर? कहाँ गया पैसा? पैसा कहाँ गया? 3.5 लाख रुपया? 3.5 लाख रुपया वो जितेंद्र सिंह अपन भगनी के शादी कर रहे थे। अच्छा, उसी कह के लिए। देखिए अभी हमको शादी में मदद कीजिए। हाँ, पैसा कहाँ गया? जितेंद्र बाबू लिए हैं, लड़का को बाप लिए हैं। लड़का का पिताजी, उसका नाम क्या है? जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र शर्मा। ऐसा क्यों हो गया? उन दोनों में झगड़ा हो गया है। झगड़ा कब से चल रहा था? अब यह 8-10 दिन से झगड़ा हो रहा था। माँ तो बोल रही है इसको। अच्छा। कि 8-10 दिन से झगड़ा कर रही थी फोन पर, और वो चल गई बाहर, और तलबूते दोनों लड़ाई करके यही से कर ली है। ऐसे कर ली है ये? आत्महत्या की है खुद से? हाँ, फांसी लगा लिया है, खुद लगाई है ये। प्रूफ के तौर पर ये लैपटॉप है, सारा दस्तावेज है इनके प्रेम कहानी का, और इनके हाथ में ये मोबाइल फ़ोन है, ये राखी उर्फ प्रगति का सब डिटेल इसमें है, सब दस्तावेज इसमें है, पूरा प्रेम कहानी का जखीरा इसमें डाला हुआ है। और यह पूरा मामला रूपसपुर थाना क्षेत्र का है और यह लड़की गया के टिकारी प्रखंड के रहने वाली, गांव का नाम क्या हुआ? मखदुमपुर के रहने वाले हैं। यहाँ कब से ये लोग रह रहे थे? मोबाइल पकड़ी, कब से यहाँ लोग रह रहे थे? यहाँ 10 बरस से रह रहे थे। इनकी माँ दाई के काम करती है ना? खाना बनाती है। अच्छा, इनकी माँ कहाँ चली गई? माँ के पता नहीं चल रहा है, बाथरूम के बहाना से भाग गई। कल से यहाँ से कल से बोल रही थी कि हम आप लोग खोजे उनकी माँ को? खोजने के लिए निकले लेकिन नहीं पता चला। आप लोग कौन हुए इनका? मैं इनका मामू हूँ। अपना मामू है? लड़का जो प्रेम करती थी, ये लड़का का नाम पूरा विष्णु भारद्वाज। विष्णु भारद्वाज है। अच्छा, ये लोग कहाँ रहने वाले हैं? इनका मखदुमपुर घर हुआ। और लड़का का?
लड़का का 12 घर हुआ। 12 दोनों का जात एक ही है क्या? यस। हाँ दोनों भूमियार का, दोनों भूमियार का। हाँ ये भूमियार जात की लड़की और प्रेम अपने ही जात के लड़के भूमियार से कर रही थी। ये देख लीजिए, मैं जाति धर्म की बात नहीं करता हूँ। एक गरीब की मौत होती है तो किस तरह से लाश को अज्ञात की तरह फेंक दिया जाता है, देख लीजिए। ये सदर अस्पताल है, इस लड़की को नसीब नहीं हुआ कफन, इस तरह से बॉडी पड़ी हुई। कब से पड़ा हुआ है यहाँ पे? कल से पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में। कल से पड़ा हुआ है और आज बाहर निकाल दिया बॉडी। आज बाहर निकाल दिया। इसी में था पड़ा हुआ? इसमें देख लीजिए, इसमें बॉडी पड़ी हुई थी 2 दिनों से और आज बॉडी बाहर निकाल दी गई है। देख लीजिए, इस अबला लड़की को कफन नसीब नहीं हुआ। ये होता है प्रेम कहानी का दर्दनाक अंजाम। विष्णु के प्रेम में राखी और प्रगति पागल थी। क्या मिला लड़की को प्रेम करके? अपनी माँ के इकलौता सहारा थी ये। प्रशासन से कुछ हेल्प मिल रहा आप लोगों को? कुछ नहीं, कुछ नहीं। देख लीजिए, मैं सबूत के साथ बोल रहा हूँ, प्रशासन उस लड़के पे शिकंजा कस सकती है जो विष्णु नाम का लड़का है जिसे प्रेम करती थी। सबूत को तो मैंने लैपटॉप दिखाया, मोबाइल दिखाया, कुछ भी कब्जा में नहीं लिया गया है। ऐसा होता है प्रेम कहानी का अंत। इस प्रेम कहानी में विष्णु तो मजा मारेगा किसी और लड़की के साथ, लेकिन राखी का क्या हुआ, प्रगति का क्या हुआ? देख लीजिए, ये है प्रेम का सिला। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और बताइए कि किस तरह से एक प्रेम कहानी में राखी की जिंदगी चली गई और इनकी माँ पागल हो गई और अपने बिटिया का बॉडी छोड़कर वो कहीं और चली गई। इनके पूरे गांव समाज के लोग हैं, अब यही इनका दाह संस्कार करेंगे और यही है प्रेम करने का सबसे बड़ा परिणाम। धन्यवाद आपका। राजनंदिनी ज्वेलर्स, जहां है हॉलमार्क ज्वेलरी, सोने और चांदी के गहने, आपके लिए हम लाए हैं ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ साथ आधुनिक डिजाइन के बेहतरीन आभूषण। BIS द्वारा प्रमाणित हॉलमार्क गहने होलसेल रेट में खुदरा खरीदें। राजनंदिनी ज्वेलर्स, जौहरी कॉम्प्लेक्स, बाकरगंज, एक्सिस बैंक ATM के सामने, पटना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।